दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूं कि आदमी और पेड़ इनको आप कभी कमजोर ना समझें, क्योंकि इनकी भी स्थिति बदलती है और आगे चलकर ये भी काफी मजबूत और महान बन सकते हैं। जैसा कि दो दिन पहले मैं इनको सिखा रहा था सिर्फ स्कूटर पकड़ना, और दो दिनों में ही इन्होंने स्कूटर थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया है। मतलब आप अकेले ही चला रही हैं अभी तक, तो मुझे जैसे पीछे पकड़कर दौड़ना पड़ता था तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन दो ही दिनों में इन्होंने इतना सीख लिया कि अब मैं एक जगह बैठा रहता हूं और ये चला रही हैं। तो अब उसका थोड़ा सा ये डेमो पेश करेंगी, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ सीखना आसान है। जो लोग नए सीखना चाहते हैं उनको लगे कि सीखना बहुत ही आसान है अगर आप दिमाग लगाएंगी तो। और दूसरी बात, नारी को अबला बिल्कुल न कहें, क्योंकि नारी हर कुछ कर सकती है, क्योंकि नारियों से ही पुरुषों की ही उत्पत्ति हुई है। तो भैया नारियों को अबला बिल्कुल न कहें, वो सारा कुछ कर सकती हैं जो दुनिया में कोई हर कोई कर सकता है। तो क्या आप थोड़ा सा डेमो पेश करेंगी? इनका कहना है कि आज इन्होंने जैसे तैयारी नहीं की है तो मैं दूर से वीडियो बनाऊंगा। चलो, और हाँ इज्जत बचानी है, ऐसा मत करना कि मुझे ही उड़ा दो। आ जाओ हल्के 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 भाई, देखो ऐसा है वीडियो बन रही है, आराम आराम से। हाँ आराम आराम से, चलो 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 चलो, हम इधर से दिखाएंगे। अब आप देखेंगे ये पीछे तक जाएंगी वहाँ तक और अपने आप लेकर आएंगी। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं भी दौड़ लेता हूँ। और इन्होंने मोड़ना भी सीख लिया है, सबसे खुशी की बात है कि अब ये स्कूटर को अपने आप मोड़ सकती हैं बैठे बैठे। और इन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया है रगड़ रगड़ के। दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये जैसे बैटरी से चलता है तो हल्का हल्का झटका लेता है। मैं भी हाँफ गया हूँ। और अगर आप पेट्रोल वाला स्कूटर चलाते हैं तो उसको आप आसानी से चला सकते हैं, वो उतना झटका नहीं लेता है। अभी इन्होंने 200 मीटर चलाया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अब जल्दी ही ये सीख जाएंगी और मैं पीछे बैठूंगा और चलूंगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ बोलो। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।